एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं अहम खबर। तिंसंगरात के पेश नज़र आवाम को नए अकसाम के पतंगों की खरीदारी में मसरूफ गुलजार हाउस काली कमान पर देखा गया, जिसमें सीनियर सहाफी रूबी चैनल के नुमाइंदे एमए रशीद भी खरीदारी करते हुए कैमरे में कैद हुए। हमारे नुमाइंदे सैयद शाह की ये तफसीली रिपोर्ट। Yeah, Astro Rider and Kamran on the beat. Here we go. It's Patan. भगवान दास बजाज, हमारा कारोबार ये 75 साल से है साहब, और इतना ख़राब हम 75 साल में कभी भी नहीं देखे। हिंदुस्तान की आबादी करोड़ों में जा रही, कारोबार डाउन होता जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट पतंग के धंधे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, कमिश्नर साहब सपोर्ट नहीं कर रहे। रात को 12 बजते की लोगों को डंडा मार के पड़ा रहे, मार्केट भरे हुआ रहता, काम हो जा रहा हमारा। पहले तेलंगाना में बसों के स्ट्राइक थे, उस वजह से होलसेल कारोबार नहीं चला। उसके बाद में मोदी जी NRC निकाले, क्या निकाले, उस वजह से कारोबार नहीं चल रहा। कभी एक दिन बाजार बंद, एक दिन बाजार खुला, पिछले साल के मुकाबले में आधा कारोबार भी नहीं है साहब। और ये बार कुछ पतंगों की ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि पबजी गेम की पतंग आई, उसका खूब डिमांड है, और MIM के लीडर्स के पतंग का भी डिमांड है, KCR की पतंग भी खूब चल रही, मोदी जी के कई वेरायटी के पतंग है, उसका भी बहुत डिमांड है। इस तरह का चल रहा साहब, और चाइना मांझे की वजह से भी बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि दुकानों वालों को बेचने दे रहे नहीं और कंपनियों को बंद करा रहे नहीं। कंपनियों को बंद करा दिया तो मार्केट में माल आता नहीं, माल बिकता नहीं। मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अदमन गुजारिश है, आप कंपनियों को ध्यान देके बंद करवाइए, तो बाज़ार में मांझा आएगा नहीं, बाज़ार में मांझा बिकेगा नहीं। कंपनियों को बंद नहीं करा रहे, प्लास्टिक का मांझा है, वो लोग को 100 रुपये किलो पड़ता है, 800 रुपये, 1000 रुपये किलो वो लोग होलसेल में बेच रहे, तो वो लोग करोड़ों रुपये खिला के भी मांझा बनाते, गवर्नमेंट के आदमी ही खाते साहब। इसलिए परेशानी हो रही, हम बेचना मुश्किल हो रहा, हम बेच रहे नहीं। दुकान में रखे तो फॉरेस्ट वाले आ रहे, लाइन ऑर्डर वाले आ रहे, सब आके दम कर रहे। और रात में थोड़ी मेरी कमिश्नर साहब से, पुलिस वालों से गुजारिश है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा मौका दीजिए, आज आखिरी दिन है, कल संक्रांति है, आज एक दिन तो भी रात भर कारोबार करने देते तो बड़ी मेहरबानी होती। जैसा रमज़ान में चांद रात के दिन देते, तो ये पतंग वालों की चांद रात ही है साहब, थोड़ी मेहरबानी करे तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। जीबिया पतंग, दोखलम पतंग, ये पतंगों का भी बहुत डिमांड है, चांद तारा, और तागे में कॉर्स का मांझा अच्छा है, और एक मांझा पैर के मांझे को काटने वाला मांझा आ रहा सूरत से, गुजरात से, साई मांझा बोलकर, और बरेली से 16 तार का मांझा आ रहा, 12 तार का मांझा आ रहा। 16 तार का मतलब 16 तागे मिलके एक तागा बनता, जब वो मांझा तैयार होता वो पैर के मांझे को भी आसानी से काट देता, फिर भी पब्लिक वो मांझे को समझ में नहीं आ रहा। बच्चा आओ, बड़ा आओ, कोई भी आओ, चाइनीज मांझा, पैर का मांझा ही पूछ रहे,
कितना भी हम समझाने की कोशिश कर रहे भाई ये लेके जाओ वो अच्छा नहीं है, उससे नुकसान है, परिंदों को नुकसान है, इंसान को नुकसान है, वातावरण को नुकसान है, फिर भी कोई बात नहीं मान रहे। और पतंग के ऊपर एक बड़ा प्यारा गाना भी है आज़ादी के पहले का, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली। मैं भगवान दास बजाज साहब, बजाज पतंग महल से, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाकिर है और मैं पिछले 17 साल से कारोबार कर रहा हूँ पतंग का। और जो है सो पतंग में हमारे पास हर वैरायटी है, पतंग हर चीज़ मिलेंगी आपको, पौंड का, आधे का, पेपर में, और जो है सो परनी में अकबर साहब, असद साहब और जो है सो केसीआर साहब की पतंग की बहुत मांग है यहाँ पर। पतंग जो है स्टॉक ख़त्म हो गया केसीआर साहब का, और जो मोदी साहब की भी पतंग है यहाँ पर, और हिंदुस्तान की पतंग भी बहुत चल रही। और जो है सो चरख में हर वैरायटी की चरख मिलेंगी, और बरेली में है यहाँ का देसी मांझा है, और जो लकड़ी जो है डिकोलियम की लकड़ी बोल के आ रही है एक, वो लकड़ी में ज़्यादा जो है सो चरख जो है सो बहुत चल रही हो, और मांझा जो है सो तागे का हाथ का सुतेवा ही बिक रहा है अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से। आज पब्लिक का हुजूम भी बहुत था और कारोबार सबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पब्लिक हुजूम के तौर पर थी। और जो है सो पतंग में नए डिज़ाइन आए हुए आपके, ये पतंग आई हुई है ये साल, नया डिज़ाइन है ये झालर में, तो ये भी बहुत चला आपके साल ये, ठीक है। हर एक का ख्वाब है सुहाना, अपना भी हो जाती आशियाना। जेपी फ्यूचर सिटी, उनके लिए जिन्हें अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की फिक्र है। कोत्तूर मंडल शादनगर, जेपी दरगाह झूलों के करीब, जेपी फ्यूचर सिटी वेंचर में जमीन खरीदिए सिर्फ 5,900 रुपए फिगर्स, अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, गेटेड कम्युनिटी और हर तरह की बुनियादी सहूलतों से आरास्ता आबादी और नामवर कंपनीज के बीच। जेपी फ्यूचर सिटी में प्लॉट खरीदिए और अपनी समझदारी का सबूत दीजिए, क्योंकि जेपी दरगाह को 50 करोड़ रुपए से तरक्की देने के सीएम के ऐलान के बाद जमीन की कीमतों में इजाफे के 100% आसार हैं। आज ही फ्री साइट विजिट कीजिए और नकद या आसान अकसात पर जमीन खरीदिए और जल्द ही दोगुना या चौगुना फायदा पाइए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, जेपी फ्यूचर सिटी। ऑफिस का पता, इम्तियाज प्लाजा सेकंड फ्लोर, रूबरू गौतम मॉडल स्कूल, न्यू रोड, शालीबंडा, हैदराबाद।